Illustration number 1. Ascertain the prime cost, work cost, cost of production, total cost and profit. 1, 2, 3, 4, 5. पहले direct material दिया हुआ है, उसके पास 1 लिखिए. Direct labor 2 लिखिए. Factory expense 3 लिखिए. Administrative 4. सेलिंग एक्सपेंस 5 और सेल्स दिया हुआ है तो डिफरेंस प्रॉफिट आ जाएगा. यहां पर दो लाइन नहीं खींचेंगे. दो लाइन कब खींचेंगे, एक लाइन कब खींचेंगे, इसको भी आप समझ लीजिए. जब ओपनिंग क्लोजिंग रहेगा तब आप दो लाइन करेंगे. यहां पर तो सिंगल सिंगल एक एक हेड दे दिया है, मतलब जो हेड्स ऑफ एक्सपेंस हम बताए थे ना अभी, वही यहां पर दिया हुआ है. चलिए छोटा सा है. स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट. डायरेक्ट मटेरियल, $10,000. डायरेक्ट लेबर 7,000. याद कीजिए, मटेरियल और लेबर दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम कॉस्ट. 1, 1, 2. रॉ मटेरियल कंज्यूम कब बोलते, जब मटेरियल के साथ सब कुछ देता है. यहां पर तो सिंगल सिंगल एक एक करके दिया हुआ है. देखिए, मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कहां जाएंगे, फैक्ट्री में. फैक्ट्री का खर्चा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ फैक्ट्री एक्सपेंस. फैक्ट्री एक्सपेंस या ओवरहेड बोलता, 3,000 दिया हुआ है. आ गया टोटल 20,000, इसको वर्क कॉस्ट बोलेंगे. अब कहां जाएंगे हम लोग, ऑफिस. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव की जगह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन बोल दिया तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. कितना दिया हुआ है, 1600. वैसे तो आ गया कॉस्ट ऑफ फिर लास्ट वन सेलिंग एक्सपेंस. कितना दिया हुआ है, टोटल कितना हो गया, 1,600. देखो ये बात अलग है कि वन बोलने से हम लोग अभी फॉर्मेट में देखे थे ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट हो रहा था, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल से. यहां पर आपको सेल्स दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट बैलेंस 30 में से 27 गया, 23 गया तो 7,000. मैंने इसको क्यों बनाया, इलस्ट्रेशन नंबर 1 को क्यों बनाया, उसके पीछे ये रीजन है कि सबसे पहले हम एलिमेंट्स यानी हेड्स ऑफ एक्सपेंस बताए थे, 1, 2, 3, 4, 5, दैट इज टोटल कॉस्ट, और यही 1, 2 प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री वर्क कॉस्ट. फिर इसी को हमने फॉर्मेट में ढाल दिया आपको, और फिर फॉर्मेट में ढालने के बाद वापस से इसमें एक सम्स दिया था. अब आपको पता चल गया ना कि डायरेक्ट मटेरियल बोलेगा तो उस फॉर्मेट का जो पार्ट है डायरेक्ट मटेरियल का वो वहां पेस्ट कर देंगे.